I'm Gaurav Kapoor, and today I'm hitching my wagon to the Rawalpindi Express. A late breakfast with my dear friend Shoaib Akhtar. But to catch up with him, I first must slow him down. You know, the thing I love about Shoaib is ki inki tez bole aur inki baatein kabhi bhi kahin bhi ja sakti hain aur kisi ki bhi wicket uda sakti hain. Oh, what a romantic table. For two of us? So romantic. Table ka number dekho kya hai? 14. That's my shirt ka number tha yaar. It's good, no? Main superstition nahi hu yaar. Mujhe nahi farak padta in cheezon mein. Kamzor aadmi ki nishani hai. Really? Superstition? Haan, kamzor. Kabhi haathon mein cheezein padi ke, baalon mein koi cheez lagaye, gale mein bandha hua. Main ek dafa taweez jo nahi gale mein baandhte hain. Tab meri murshid sahab ke paas gaya tha main taweez. लेने में कहा जी आप तावीज़ बना दें मेरे लिए. कहते जी अब आप खुद कब तावीज़ बनेंगे? अब खुद भी तो ऐसे काम करेंगे जैसे तावीज़ बन जाएं, आपको कोई चीज़ें असर ना करें. गुड पॉइंट. बड़े बड़ा बनने के लिए बड़ी सी चीज़ें थोड़ी करनी पड़ती हैं, थोड़ी बहुत छोड़नी पड़ती हैं. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. My name is Udit. I'm the chef in charge here. यार कुछ भी खिला दे यार. डन सर. नाश्ते में कुछ भी खिला दे यार. बस ज़्यादा ना हो, बस थोड़ा बहुत हम दोनों के लिए. थैंक्स उदित. थैंक यू. If you were to have a biopic like a film, you're running with a wicket और साथ में merge हो रहा है एक बच्चा hill से नीचे भाग के आ रहा है. दोनों ऐसे भाग रहे हैं. Slow motion में music बज रहा है. That would be the promo shot. तो मैं जवानी में पूरा किया था, फिर मैंने F-16 के साथ भागा था मैं फिर. Really? हाँ. I just wanted to, you know, fulfill my fantasy. मैं वो भाग रहा हूँ नीचे से, ऊपर से जहाज गुजरे मेरे ऐसे करके. Oh my man, जब वो गुजरा ना, हाशर हो गया मेरा यार. तो I used to copy them. और मैं हाथ खोल के भागता था. यूज टू मेक मी फील फ्री. तो जेट्स की मेरी शुरू से फैसिनेशन है. यूरो जेट क्या बनाया है, क्यों ज़्यादा सक्सेसफुल है, F-16 अभी तक 30 सालों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एरोप्लेन क्यों है, नोइंग दैट देयर इज अ मोस्ट अनस्टेबल जेट एयरक्राफ्ट बट इफेक्टिव. बट इफेक्टिव लाइक शोएब अख्तर. नहीं, नॉट अनस्टेबल. यही तो प्रॉब्लम है. अनप्रेडिक्टेबल. नहीं, लाइक अ मिसाइल. नहीं, बट विल हिट एंड डिस्ट्रॉय. यही तो इस तरह तो मुझे पेश किया गया है. एक्चुअली मुझे पोर्ट्रेट ऐसे किया गया, बना के ऐसे पेश किया गया. पर अच्छा है. रेबल, बैड बॉय, मतलब 15 साल में से एक दफा लड़ा हूं मैं. बस होता है यार, लोग बड़े इनसिक्योर हैं गौरव. लोग बहुत इनसिक्योर होते हैं. आई प्रॉब्ली मूव्ड अप टू फास्ट. लोगों को लगता है कि ऐसे उठ के फास्ट बॉलर बन गया. ऐसा नहीं होता. ऐसे कभी भी नहीं होता गौरव. एंड आई डोंट ब्लेम पीपल यार. पीपल लाइक टू वॉन्टेड टू नो यार कि शोएब नमाज तो 5 बजे की पढ़ता होती है, मुसलमान पढ़ता होगा. और इसके अलावा बुरे काम क्या करें वो हमें बताओ. वो बताओ. तो पीपल आर मोर इंटरेस्टेड इन इविल देन अ गुड. ये क्रैब मेंटालिटी है ना कि दूसरा बंदा अगर अच्छा कर रहा है तो उसकी ना खामियां ढूंढो. कहीं से ना उसको खींचो नीचे, क्योंकि खुद नहीं ऊपर जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसी को खींच के नीचे ले आओ. हमेशा कमज़ोर आदमी इल्ज़ाम लगाता है, कमज़ोर आदमी वो करता है. ऐसा कौन सा हीरो है जो कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं है पाकिस्तान में? और अगर वो नॉन कंट्रोवर्शियल है तो फिर कोई जानना नहीं चाहता उसके बारे में? है ही नहीं. नॉन कंट्रोवर्शियल कोई है ही नहीं, तो मैं कैसे बच सकता था? तो दैट्स फाइन देन, लिव विद इट. सो मैं यार लबादा नहीं उड़ता यार शराफत का. शराफत का लबादा उड़ के मैं तुम्हें लूटूंगा नहीं यार. मुझसे नहीं हो सकता. मैं जो हूं मैं हूं गौरव तेरे सामने. थैंक यू. But you know, I was Mr. Father figure, yaar, in a dressing room. Because you didn't play in Imran Zain, right? Imran bhai, hote to main 100 test bhi khelta, 400 out bhi karta, aur main khelta bhi 94 mein. You debuted at what age? 98 mein, yaar, main 21.5 saal mein. To 4 saal late humne kiya. 4 saalon mein peak hoti hai fast bowler ki, yaar. True. For that matter, is tarah agar Saurabh hota, Saurabh hi hota, main 100 test match khel jata. Saurabh Ganguly hota. तो वो हम हमारे यहाँ जो फादर फिगर था ना, वो ख़त्म. वो है ही नहीं था. वो कोई नहीं था. इसी 19-year-old शोएब को क्या कहेगा, 18 साल के शोएब को क्या कहेगा? मोहम्मद आमिर को किसी ने क्या कहा? गया ना 5 साल के लिए, मर गया ना मोहम्मद आमिर. हम चलो, मैं शुक्र है मॉरली और फाइनेंशियली करप्ट नहीं था. मैं कभी भी अल्लाह का शुक्र है मैं नुकसान बचा सकता किसी को, ना मैं अपने मुल्क का नुकसान कर सकता. बिकॉज मुझे पाकिस्तानी होने की किसी की सर्टिफिकेट नहीं चाहिए. आई लव माई कंट्री. पाकिस्तान अपना जुनून है, लेकिन अपने मुल्क से मोहब्बत भी इबादत का एक हिस्सा है. तो मैंने उससे मैंने कभी सोचा नहीं. 96 में इतनी मैच फिक्सिंग हो रही थी. इंडिया पाकिस्तान साउथ अफ्रीका आगे पीछे तो हर तरफ आग लगी हुई थी मैच फिक्सिंग. और सारे मेरे जो अच्छे थे जानने वाले लोग सारे पकड़े गए.
और मुझे मैं हंसी कुरानी से अभी लास्ट फ्लाइट में मिला ही हूँ साउथ अफ्रीका, वो उतरा तो गया मैच फिक्सिंग। मुझे बहुत अजीब सा लगता था उस वक्त, मैं अफरीदी से ही कह रहा था कि शायद ये किसी और से कह रहा था, किधर मैं आ गया हूँ यार, क्या मैं सोच के आया था और क्या हो गया यहाँ पे। मुझे लगता था यार मैं पता नहीं शायद मैं अकेला टीम में खेल रहा हूँ। There was no trust deficit था बहुत बड़ा। So I never trust anybody in that particular era. Didn't want to hang around with the cricketers anymore. मैंने समझा सारे corrupt हैं। So it was very difficult era for me. उसके बाद मुझे इंडिया में बहुत प्यार दिया यार, बहुत प्यार दिया। मैंने टेररराइज किया आपको, मारा, डराया, बक्कियाँ तोड़ी, ये वो प्लान अफगान, यू नो, बट स्टिल लव मी। और बड़ा मज़ा आता है यार, और मैं सोचता हूँ यार मेरे लाइफ टाइम में काश बॉर्डर खोले। हमारा जोक होता था ना सारा टाइम कि इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान की बॉलर आ जाए, इंडिया के बैट्समैन आ जाए, और बाहर और फील्डर कहाँ से लाएगा। बैक इन 60s या 70s में या 80s में ये बेइज्जती समझी जाते थे कि यार मैं फील्डिंग करने जाऊंगा। जो हमारे यहाँ नवाब हुआ करते थे, मैं जो बचपन में खेलने आता था, यू नो, यू यूज्ड टू फील डिसरिस्पेक्टफुल, इट्स डिसरिस्पेक्टफुल थिंग है कि यार कि हम फील्डिंग करेंगे, मुझे कहेगा, और बैठ के सिगार पीना तो ये वो। आई यूज्ड टू थिंक यार क्या लाइफ है। हम कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड ना, मेरे चार भाई और मैं, और फिर मेरी बहन हुई, ठीक है। एक कमरे का घर था छोटा, और छोटा सा वरांडा जिसे कहते हैं। अब मैं निकलता स्कूल गया, वापस आया, भाई 1:30 बज गया। तो 1:30 बजे मई जून में पिंडी में गर्मी ठपा ठप तपती होती थी, तो मैं जाता था तो मुझे जो मोहल्ले की औरतें नहीं होती बड़ी खड़ी होती थी बाहर, खाला जो होती है, वो पागल कितने जा रहे हैं, वो कितने जा रहे हैं पागला। मैं कहा खाला मैं ये 1-2 साल दें, देखो मैं स्टार बन दूँगा, आप सबकी ज़िंदगी चेंज कर दूंगा मैं। अरे देख इसको पागल को, इस पागल को देख के तो ये बनेंगे इमरान खान, वसीम अकरम के साथ खेलेगा। और तेरे तो तेरा दिमाग ठीक है, दुनिया में जिसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आदमी मिलेगा ना उसे बंदे पागल ही समझेंगे। ओ पागल जा रहा, वो पागल, बस वो आंख में वो एक चीज़, और भागी जाना। और मज़े वाला गुस्सा, ये नहीं बिटर वाला, नहीं मैं कभी बिटर नहीं रहा जिंदगी में। एक होता है बिटर में, साला मैं बन गया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, नहीं 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 उसके लिए नहीं, अपने लिए बनना, फिर माफ करना है। आगे चल माफी के लिए बड़ा बन, बड़ी अच्छी लगी ना माफी के लिए बड़ा बन। हाँ माफी के लिए बड़ा बन। मैं पिंडी क्लब में भागता था, तो वहां से निकलते थे हम, गन्ने वाला जूस थे, गन्ने मशीन वाला, उससे मैंने दोस्ती की। मैंने कहा देख भाई, अगर तुम्हारा दोस्त बन जाएगा और तुम मुझे 50 पैसे का जूस पिलाएगा, और मुझे गन्ने का जूस बहुत अच्छा लगता था उस वक्त, ठंडा यख, इतना बड़ा गुलाब उड़ा 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 अंदर। अच्छा जी, मैंने कहा यार तू मुझे फ्री जूस दिया करेगा ना, और मुझसे अगर पैसे नहीं लेगा मैं तुझे वादा करता हूँ मैं स्टार बन गया मैं तुझे गन्ने की मशीन ले दूंगा। उन्होंने कहा चला यहाँ से, पागल आ गया। अच्छा एक दिन, दो दिन, तीन दिन, अच्छा तीसरे दिन क्या था, अच्छा तू शोर है ना, तू क्रिकेटर बन जाएगा। मैं क्या बॉस क्या बात कर रहा है, तारिक मुझे देख, मेरी आंखों में आग देख जरा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्त, उसने मुझे फिर 1-1.5 साल जूस पिलाना शुरू किया, और फिर फाइनली मैं जब स्टार बन गया वापस आया, आई पास्ट अवे, फिर आई टुक केयर हिज फैमिली, आई मेड श्योर, मैं जी अब गन्ने की जूस नहीं, आई मेक श्योर दैट ओपन अप अ शॉप फॉर यू। सारा कुछ किया, फिर सब कुछ हुआ। लाहौर ट्रायल देने गया 94 में, पैसे को नहीं, अब पूछू कैसे, कंडक्टर से दोस्ती कराई। मैं बात सुनी यार देख, शरारती भी शुरू से था, शरारती तो अल्लाह माफ करे शुरू से था। मैं कहा ग्राहक वो नहीं है, देख ले तेरा दोस्त बड़ी है तेरा, तो देख मुझे ले जा लाहौर। कहता फिर पैसे, मैं कहा छोड़ ना पैसों को यार। पहुँच गया, फिर आगे मैं गया अजीज के पास, अजीज टांगे वाला था। हाँ टांगे वाले से भी, टांगे वाले से। मैंने कहा अजीज भाई को क्या क्या प्रॉमिस किया, और सुन ना, आगे पहुंचा, PI के ट्रायल लगे हुआ, लड़के 3,000 से 4,000 लड़का। मैं कहा मेरे मालिक मेरी दोबारी नहीं आनी। सो मैंने कहा कैसे नोटिस कैसे करूंगे, मुझे नोटिस कैसे करेंगे, मैं कैसे पता चलेगा यार मैं भी आया हूँ, क्या करूँ। लो जी नवाब का ग्राउंड है 3 किलोमीटर लंबा है, और बीच में नेट लगा, और मैं रॉकी बना और भाग रहा हूँ। मैंने कहा देखो, और जो ही मैं जहीरबाद से पास से गुजरूँ ना तेज गुजरूँ ऐसे करके। फिर उसने देखा ये कौन पागल भाग रहा है 2 बजे दिन के, मेरी तो आदत ही वैसे ही भागने की 2 बजे। उसने कहा इधर आओ क्या करते हो, मैं सर बहुत तेज फास्ट बॉलर हूँ। कितना तेज है, मैं सर जितने भी हैं इनसे सब तेज हूँ। एक मौका दे दीजिए यार तो आप देखेंगे इंशाल्लाह
आपको मुसीबत पड़ जाएगी पूरे नेट में। तो जो उसने बॉल फेंका है, उसने बॉल नहीं फेंका गौरव, उसने आग का गोला फेंका मेरी तरफ और जो मैं ऐसे करके खा गया और इधर जमा मेरे। वाह। और फिर वो फटाफट दुनिया में बाद में इधर मैंने रखा, मैं पहला बॉल आया गौरव, उस बेचारे बैट्समैन की मुसीबत आई हुई थी, पहला बॉल किया उसने इधर खिला ठाम ते ए डाम ते वो गया पीछे, इम्पैक्ट इम्प्रेशन डाला वो पागल होगी दुनिया सारी, इतने पैसे लेगा तोड़ दिए ग्लास खाया पिया कुछ नहीं ग्लास इल्जाम लगा दो ने थोड़ा बाहर चक्कर मारते यहां से वहां से कहां किधर है Why you are changing? You are Madhuri Dixit. So when you were playing, which other fast bowler, Pakistan ko chhod ke, aur kaun se fast bowler ko dekh ke laga yaar isse seekhna chahiye? Ye banda sahi hai. We had such a huge fast bowler and a huge charismatic fast bowlers. We didn't have to look elsewhere. But you know, McGrath tha, Shane Warne tha. We always respected. We always made sure that you know. ये था बट वी वर सो स्टबर्न वी ऑलवेज थॉट वी आर द बेस्ट वन एंड वी एक्चुअली वाज द केस और बैट्समैन यू डोंट मीन दैट राहुल द्रविड़ ओह नाइटमेयर वेरी डिफिकल्ट नाइटमेयर यार बॉल करो 96 बॉल ए ठक बाउंसर ठक 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 मैं कह यार मैं किस मुसीबत में सचिन से जान छुड़ाओ द्रविड़ आ जाता था अब यार 96 98 माइल्स ना ये बॉलिंग है यार अगर लग जाए जिस्म पे गौरव 96 लगती है मुझे लगी ना ब्रैटली की 296 पे इधर तो मेरे लगा ये पसने मेरी इधर आ गई भी बाहर निकल आई इधर से वाओ तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट एरा क्योंकि उस एरा में वसीम वकार रिवर्स स्विंग सकलैन शेन वॉन मैग्रा नाम लो आप उनके खिलाफ करो रन एलन डोनाल्ड करो ना पांच फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका के एक टीम में करेक्ट करेक्ट क्लोजर है कैलिस है वो सारे 90 प्लस माइल्स बॉलिंग कर रहे हैं हां जी अब कर लो हमारा जो पूल था ना उस वक्त 10 बॉलर मुझसे तेज ट्रायल में बॉलिंग कर रहे हैं रियली खुदा की कसम और कोई असलम कालिया है कबीर खान है भट्टी है एक यासर है एक वो है एक वो है मैं कही अल्लाह मैं किधर फंस गया हूँ इस मुल्क में ऊपर देखो वसीम बका रहे हैं तो आप कहाँ जाएं ट्रायलों में जगह बनाने के लिए तुम्हें 100 माइल्स के आसपास बॉलिंग करनी पड़ती थी और अब मैचेस में करने के लिए 140 वाला कोई नहीं है सही बात इंस्पिरेशन मेरी जान हीरोज खत्म हुए फॉलोइंग गई क्रिकेट गई इट्स सैड इट्स रियली सैड और हमसे काम लेते नहीं हो यार बट ठीक है अगर मैं इस मुल्क में आया इंडिया में आया 3-4 साल लगाए तो मैं कुछ देख ही जाऊँगा वापस मैं देख ही जाऊँगा मैं पागल बना के नहीं जाऊँगा दूसरों में इंडिया बहुत अच्छा इंडिया नहीं नहीं कुछ वापस करके जाओ और अगर मैंने 25 साल लगाए होते ना तो मैं फिर बताता मैं जनरेशन तैयार करता मैं उनका खाना चेंज करता उनका वे ऑफ लिविंग चेंज करता हूँ बैठने का स्टाइल चेंज करता भागने का स्टाइल आके लोड करो जी साइडवेज जाओ ये कुछ बॉलिंग है वो धाका वास्ता यार वो बॉलिंग करने दे उसको तू तेज बॉलिंग कर वो उस कॉरिडोर में क्या करना वो सिखा कोई ड्रेसिंग रूम की मेरे को ना एक अगेन क्योंकि मैंने सारी जो पाकिस्तान की कहानियाँ सुनी है तो विक्की भाई से सुनी है या वजीम भाई से सुनी है मोस्ट फनीएस्ट ड्रेसिंग रूम दैट आई हैव कम अक्रॉस सब अपनी धुन में सब अपने और प्लेयर बड़े बड़े और मजाक करने का शौक और पंजाब में वैसे मजाक करने का शौक खाने का शौक वो बारिश हो गई है फास्ट बॉलर्स है ना सारे बैठे हुए तो 3-3 किलो मछली खा गया क्या मछली खा गया अभी मैच नहीं हो रहा जी चलो और आई मीन लाइक वसीम भाई इज द फनीएस्ट इंजमा मुशी मैं किस किस का नाम लूँ यार सारे मतलब ऑल कैरेक्टर्स They're all the most funniest people that I ever came across. And this is not कई लोग होते हैं ना जो practical joke वगैरह करते हैं ये नहीं ये naturally funny natural funny natural funny अब वसीम भाई से बैठ जाओ हसासा पागल कर देंगे I mean you sat with me yeah. so, we all like to have fun I think we are very fun loving nation in terms of that ये तो अच्छा है ना क्योंकि माहौल भी अच्छा बना रहता है ना high pressure में तो लड़ाई भी उतनी होती खुशी खुशी कोई भी sensitive आदमी पाकिस्तान dressing room में survive नहीं कर सकता बस तुम छोड़ दो अगर तुम्हारा चाइल्डहुड ठीक नहीं है ना तो तेरे चाइल्डहुड की खैर नहीं तेरे तेरे बचपने की खैर नहीं फिर बिकॉज या तो हम तुझे तगड़ा कर देंगे मेंटली या तो भाग जाएगा तो
आइदर वे में वो तगड़ा हो जाता था। अब कुछ लड़के थे बहुत सेंसिटिव, ये इतना सा जख्म देख लें, इतना सा, ये अब्दुल रजाक, ये इतना सा जख्म, ये देखे आधा आधे इंच से भी कम, ये हो गया। मैं क्या, रिलैक्स करो बेबी, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता। वह आहिस्ता आहिस्ता सर रजाक फिर तगड़ा हो गया, और फिर रजाक जो कूटता था दुनिया को, हमारी लाडो थी वो रजाक, हमारी लाडो, लाडो। अगला नाम नहीं बताऊंगा, नहीं नहीं आगे नहीं। लाडो, लाडो अच्छा नाम। ये तो अच्छी बात है ना, कि मेरे को कभी कभी लगता है कई टीमों का माहौल ज़्यादा ख़राब हो जाता है, जो एक दूसरे से डिप्लोमेसी में रहते हैं पर अंदर जो बात है वो बाहर नहीं आ रही, और अंदर खोट है। हाँ, इससे अच्छा तो वो बंदा है जो बोले ओए चुई हुई चलो टे। नहीं, मेरे ख्याल में मोस्टली लड़के जितने मिले बहुत अच्छे लोग थे, बस शायद पढ़ लिखे ज़्यादा नहीं थे हम लोग, और प्रॉब्ली वी डिडंट हैव दैट दैट सब्सटेंस कॉल्ड सेल्फलेसनेस, दैट वी डिडंट हैव इट इन अस, वी प्रॉब्ली डिडंट बिकम अ ग्रेट लीडर्स, एंड आई विश आई वुड हैड अ लीडर। तो आज फर्क चोरी होती है, बट द सेम गोज विद माई कंट्री एट द सेम टाइम। अल्लाह करे, पाकिस्तान इज अ थ्राइविंग लैंड, इंडिविजुअल जाओ तुम खाओ पियो, लोग मजाक करने वाले दिल के अच्छे उठा उठा के फिरते हैं यार। तुम कहते हो ना खाली मैं इंडियन हूँ, और अब आया मेरे पास पैसे नहीं है, खुदा की कसम को एक पाकिस्तानी पैसा ले गया तो मेरा नाम चेंज कर देना है। और तू ट्राई कर ली, आम बंदे से ट्राई कर ली, आम साइकिल वाले ट्राई कर लो, खैर पेशावर जाएगा तो वो तो नेक्स्ट ही लेवल है ना। वो झोंपड़े में घुस जाए ना, उनसे मैंने खाना नहीं खाया, वो तो अपना घर किराए पर देगा ना तो बकरा लेके आएगा तेरे लिए, तो रोटी का तो अल्लाह अल्लाह ने उस कौम को दिया बहुत कुछ है, लेकिन बस हमको एक डायरेक्शन चाहिए यार। थोड़ा सा आपके साथ फंसे रहे, आप हमारे साथ फंसे रहे, फिर कोल्ड वॉर में फंसे रहे, किधर फंसे रहे, नेशन बनने का टाइम ही नहीं मिला। अब वो मुझे लगता है हीरा आ रहा है, इंडिया बड़ा भाई बने, छोटा भाई पाकिस्तान बने, चाइना से ट्रेड शुरू हो, आपसे ट्रेड शुरू हो, और हम मिलके वर्ल्ड ऑर्डर लिखे हैं यार। मैं तंग पड़ गया हूँ यार। यू जस्ट डिड समथिंग, मुझे कुछ याद आ गया उससे। कम लेट्स वॉक इन सेट, चले। ये अभी वायरल करेगा ना, देख क्या होता है। Well, if you like that episode, then please press subscribe so you can find out what else is on our menu and you don't miss anything fresh coming out from our kitchen, steaming hot. If you didn't like the video, then I've got more for you to choose from. Watch these and then subscribe. But don't subscribe till you're not 100% satisfied, because satisfaction is paramount. And it is my money back guarantee that you will be satisfied. But for that, I have to take some money from you first, no? Not allowed to ask for money? No. Sorry, it's free. Subscribe.